नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार डॉट कॉम का डेली बिहार फेसबुक लाइव और मैं हूं रोशन झा। बाबा नगरी देवघर से तमाम शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और हर सोमवार की तरह आज भी लगभग रविवार रात से ही कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज से चलकर बाबा भोलेनाथ की नगरी अर्थात श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में पहुंचने लगी। हमने पहली सोमवारी और दूसरी सोमवारी के दिन भी आपको लाइव बाबा बैद्यनाथ का डायरेक्ट दर्शन करवाया था और आज एक बार फिर से डायरेक्ट दर्शन करवाने के लिए मंदिर कैंपस में उपस्थित हैं। एक बार फिर आप तमाम शिव भक्तों का जो घर बैठे बैठे डेली बिहार के माध्यम से फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनका स्वागत है और एक आग्रह है कि कमेंट में कम से कम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम का नारा जरूर लिखें और वीडियो लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक शेयर होने पर आपके साथी, आपके दोस्त, आपके गांव वाले, आपके आसपास के परिचित बाबा बैद्यनाथ का डायरेक्ट दर्शन कर पाए। बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है। आज तीसरी सोमवारी है और सुबह 4 बजे से ही मंदिर प्रशासन द्वारा सरकारी पूजा के बाद से अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक शुरू कर दिया गया था। आज भी रात्रि लगभग 11 से 12 बजे तक शिव भक्तों को जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हालांकि आज सोमवारी होने के कारण शीघ्र दर्शन कूपन बंद है। सावन महीने में सोमवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो शीघ्र दर्शन कूपन के माध्यम से आप लगभग 3 से 4 घंटे की बचत करते हुए बाबा पर जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आज सोमवार है और देवघर जिला प्रशासन द्वारा विधिवत यह फैसला लिया गया है कि शीघ्र दर्शन कूपन आज नहीं काटे जाएंगे। बाबा मंदिर में 2 अर्घे लगाए गए हैं। एक अर्घा जो लाइन आप देख पा रहे हैं, जो धीरे धीरे से शिव भक्तों का जत्था आगे बढ़ रही है, इस लाइन में लगने के लिए आपको लगभग 15 से 20 किलोमीटर पीछे जाना होगा। पिछली सोमवारी में हमने आपको कहा था कि नंदन पहाड़ तक लाइन पहुंच चुका है, जो इस बार महज कुछ ही घंटों में नंदन पहाड़ क्रॉस कर चुका था। वर्तमान अपडेट के अनुसार लोगों को 20 किलोमीटर पीछे जाकर लाइन लगना होता है क्योंकि कांवड़िया सबसे पहले शिव गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बिना शिव गंगा में स्नान किए हुए वे लाइन में पूजा के लिए नहीं लगते। बोलबम बोलबम बोलबम, आप तमाम शिव भक्तों का मैं रोशन झा डेली बिहार फेसबुक पेज पर श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर से स्वागत कर रहा हूं और आप लोगों को घर बैठे बैठे डायरेक्ट दर्शन करवा रहा हूं। आप लोगों से विनम्र आग्रह कि कमेंट में कम से कम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के बाद अधिक से अधिक शेयर करें। एक और आग्रह, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं
और हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो दक्षिणा के रूप में आप हमें स्टार भेज सकते हैं, चंदा के रूप में आप हमें स्टार भेज सकते हैं। विश्वास कीजिए, अगर आप हमें 25, 50, 100 या 200 रुपये का चंदा देते हैं तो हमारे टीम का मनोबल बढ़ता है और वे आपको डायरेक्ट दर्शन करवाने में और अधिक मेहनत करते हैं। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है, हमने पहली सोमवारी और दूसरी सोमवारी को भी आपको बताया था कि इस बार भोले बाबा की कृपा से सावन महीने में एक खास संयोग बन रहा है। कहने का तात्पर्य है कि शिव भक्तों को एक्स्ट्रा सोमवारी का लाभ मिल रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि इस साल सावन का महीना सोमवारी पर शुरू हुआ था और सोमवारी अर्थात रक्षाबंधन के दिन खत्म हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग में रंगे शिव भक्त, बाबा भोलेनाथ के दीवाने, बाबा वैद्यनाथ के मस्ताने और चाहने वाले नजर आ रहे हैं। जिन लोगों की पूजा हो चुकी है वे भूत दीप करने के लिए बाबा मंदिर के परिसर में लगे हुए हैं। देखिए कैसे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और हर हर महादेव बोल बम का नारा लगा रहे हैं, आपका हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे शिव भक्त हैं जो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पर जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यह भक्ति की शक्ति है कि लगभग 3 से 4 दिनों तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 से 15 घंटे पूजा के लिए लोग लाइन में लगते हैं। उसके बाद माता पार्वती की पूजा के लिए उन्हें 3 से 4 घंटे लाइन लगना होता है और फिर ये सभी लोग बाबा वासुकीनाथ की पूजा के लिए देवघर से कोई ट्रेन पकड़कर, तो कोई बस या ऑटो पकड़कर, कोई अपनी गाड़ी से, तो कोई मोटरसाइकिल से निकल जाता है। बाबा धाम आने वाले और रावणेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने वालों के लिए वैसे तो कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि जब तक आप बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने के बाद माता पार्वती या बाबा बासुकीनाथ की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी पूजा अधूरी रहती है। इसलिए हमें किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, भले एक दिन के बाद जाएं, दो दिन के बाद जाएं, लेकिन वासुकीनाथ जरूर जाना चाहिए। बाबा वैद्यनाथ की तरह बाबा वासुकीनाथ सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे शिव भक्त धीरे धीरे पूजा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से लाइव देख रहे तमाम शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, पूजन वंदन। अगर आप हमारा लाइव देख रहे हैं और आपको यह लाइव पसंद आ रहा है कम से कम कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बोल बम जय बाबा वैद्यनाथ, बोल बम जय बाबा वैद्यनाथ।
बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। जो न कहोगे बोलबम, उनका हो जाएगा इनकम कम। इन तमाम तरह के नारे कांवड़िया पथ पर हमें और आपको सुनने को मिलता है। हमारी मांगे पूरी करो, भांग धतूरा फ्री करो। कहते हैं कि जिसका कोई साथ नहीं देता, उसका साथ देने के लिए बाबा बैद्यनाथ भोलेनाथ हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है भूत प्रेत डायन जोगिन नर सुर असुर देव गंधर्व बैताल सहित बिधनी पचैया तमाम जीव बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। बाबा भोलेनाथ किसी को निराश नहीं करते हैं। वे पांव पैदल चलकर आने वालों पर भी विशेष कृपा करते हैं, तो डाक बम पर भी कृपा करते हैं। और जो लोग सुल्तानगंज से जल भरकर गाड़ी से बाबा धाम पहुंचते हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बाबा भोलेनाथ पर अर्घा से जलाभिषेक हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बम हर हर महादेव, हर हर महादेव। झारखंड के ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र में श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ स्वयं विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। जानकारों की माने तो कभी यह मंदिर दरभंगा महाराज द्वारा स्थापित न्यास समिति के अधीन हुआ करता था। पहले बाबा मंदिर बिहार राज्य के अंदर हुआ करता था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद से बाबा बैद्यनाथ का धाम झारखंड में है। जो लोग ट्रेन से देवघर आना चाहते हैं, वे जेसीबी रेलवे स्टेशन का टिकट कटाकर आ सकते हैं। जसीडीह रेलवे स्टेशन भारत के तमाम रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है, दिल्ली मुंबई गुवाहाटी कोलकाता चेन्नई तमिलनाडु पुरी, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तमाम दिशाओं से जसीडीह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़कर शिव भक्त आ सकते हैं। यहां आने के बाद बाबा धाम के लिए लोकल ट्रेन चलती है, या स्टेशन के बाहर निकलकर आप ऑटो पकड़कर देवघर टावर या देवघर बस स्टैंड उतर सकते हैं।
जेकर नाथ भोले नाथ उ अनाथ कैसे हुई। किसी ने सच कहा है कि जिसके नाथ भोले नाथ होंगे वो अनाथ हो ही नहीं सकते। बस बाबा को पकड़ने की जरूरत है, बाबा पर आस बनाए रखने की जरूरत है। देर से ही सही, लेकिन बाबा सबकी सुधी लेते हैं। वैसे तो बाबा भोलेनाथ को हर दिन पूजा किया जा सकता है, लेकिन सावन महीने में खासकर सोमवारी के दिन एक विशेष महत्व है। अभी अभी जिला प्रशासन जनसंपर्क द्वारा सूचना दी गई है कि कुछ श्रद्धालुओं की मोबाइल खो गई थी, जिसे सूचना केंद्र तक श्रद्धालुओं के द्वारा पहुंचा दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं की मोबाइल खो गई है वे सूचना जनसंपर्क केंद्र में संपर्क कर अपना अपना मोबाइल या सामान ले सकते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा यह भी सूचना दी जा रही है कि मंदिर कैंपस में कई ऐसे चोर बम भी घूम रहे हैं जो हाथ साफ करने के फिराक में रहते हैं। इसीलिए श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि कांवड़िया पथ पर हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इस रास्ते में चोरी ना के बराबर होती है। कुछ कांवड़ियों का तो यह भी दावा था कि उनकी बोगली अर्थात पैसे छूट गए थे किसी होटल पर। वे दो चार घंटे के बाद वापस पहुंचे तो पोटली जस के तस रखी हुई थी, किसी ने नहीं उठाया था। जानकारों का मानना है कि सावन महीने में लोग ये मानते हैं कि जो लोग 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा धाम जा रहे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। यही कारण है कि जगह जगह पीने को पानी, नींबू पानी, चाय शरबत, कोल्ड ड्रिंक मजा लोगों को विभिन्न स्थानीय समिति द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे थे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ बाबा के दीवाने कांवड़िया हैं। जो लोग देरी से हमारा लाइव देख रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह कि कमेंट में कम से कम हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर आपके आसपास रह रहे लोगों को डायरेक्ट बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करवा सकता है।